अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ेबुन सर, आप देख रहे हैं डेली सियालकोट व्लॉग। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, ब्यूरो चीफ अब्दुल रहीम की रिपोर्ट। थाना कैंट की हदूद रहमान कॉलोनी में दो खवातीन समेत कई मर्द अफराद ने दिन दहाड़े घर में घुसकर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करते हुए माँ और 13 साला बेटे को बेमानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजमान की जानिब से तशद्दुद इस हद तक किया गया कि 13 साला बच्चे के सामने मजलूम माँ के कपड़े फाड़ कर नाजेबा वीडियो बनाने की भी कोशिश की गई। वीडियो में वाजिया तौर पर देखा जा सकता है कि मुजमान किस चटाई के साथ बच्चे और माँ पर तशद्दुद करने में मसरूफ़ हैं। SHO इकबाल खान को इस केस के बारे में बताया गया ताकि मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मजलूम माँ किस बेबसी के साथ इंसाफ के लिए पुकार रही है। ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि SHO इकबाल खान की मुजमान से ज़ाती ताल्लुक़ हैं, जिसकी वजह से थाना कैंट पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी।